नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसीएन की खास पेशकश खास मुलाकात में। कहते हैं बदलाव जो होता है वो शाश्वत होता है, और बदलाव के साथ में जो जिंदगी का रुख करते हैं वो हमेशा आगे रहते हैं। कोई भी चीज आप पकड़ लीजिए, वो एक बेसिक रूप में रहती है, लेकिन जब वो हमारे तक आती है तब वो बहुत खूबसूरती से पेश होती है। और ये खूबसूरती क्या होती है, इस बाबत बारीकी से जानकारी लेने के लिए आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान है मैं उनका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ में है पीएल मीडिया फोरम प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर डीओ। सबसे पहले मैं मुखातिब करना चाहूंगा लोकेश मितनौरी जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगा परितोष बरवटे जी का, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। आप दोनों डायरेक्टर हैं पीएल मीडिया फोरम प्राइवेट लिमिटेड के, और 2013 से इन्होंने इस कंसेप्ट को नागपुर में लॉन्च किया। अब तक इसको इन्होंने इस मुकाम तक ला चुका है कि आज ये एक डेस्टिनेशन बन गया नागपुर का। तो चलिए मैं लोकेश सर आपसे पहला ही सवाल ये पूछता हूँ कि आपकी जो जर्नी रही है 2013 से तो अब तक, काफी एक्सपीरियंस है आपका और सर आपका भी, तो ये जर्नी क्या सोच के आपने शुरू की और आज किस मुकाम तक है, हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस मंच पर हमें बुलाया और दो शब्द बोलने का मौका दिया। सो गेटिंग बैक टू योर क्वेश्चन जी, कि जैसा हम लोग सोच रहे थे कि मतलब कुछ बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, तो प्रायर टू दिस बिजनेस हम लोग एक जगह काम भी किया करते थे रिलेटेड टू द सेम फील्ड, तो काफी ऐसा अनुभव आता गया आता गया, और हम लोगों ने भी हम लोग का पोटेंशियल थोड़ा सा जाना कि हाँ हम लोग खुद की स्ट्रेंथ को खुद हमने आजमाने की कोशिश की। जी, और मैं ये भी बताना चाहूंगा मेरा बैकग्राउंड भी पूरा बिजनेस रिलेटेड ही रहा है जी। मैंने बीबीए भी किया है, तो बैक ऑफ द माइंड समवेयर आई वाज विलिंग टू गेट इनटू बिजनेस ओनली, तो बीबीए किया, फिर उसके बाद एमबीए किया, फिर एमबीए के बाद अभी क्या करना चाहिए, एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज थी, जॉब्स भी थे, काफी सारी चीजें थी, बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार, कि इतना सब किया बिजनेस रिलेटेड तो हम लोग कहीं मतलब लेक्चरशिप और ये सारी चीजें में नहीं जाना चाहिए, तो व्हाट वी डिड शुड पे ऑफ। तो फिर बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब ध्येय रखा, तो जैसे मैंने कुछ समय पहले कहा कि हम लोगों ने कहीं काम भी किया था जी, जी। तो उसी लेगेसी को पास करते हमने भी 2012 वगैरह की शायद बात है, तो हमने सोचा कि यार बिजनेस करना चाहिए, तो देन वी स्टार्टेड अ एजेंसी, मीडिया फोरम नाम से था। तो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो इट वाज वेरी टफ, चैलेंजेस होंगे, चैलेंजेस इतने थे कि यू वोंट बिलीव, कि बहुत सारे कहीं पर क्या क्लाइंट्स, तो आप लोगों को सबको पता ही है वो जी, एकदम जीरो से शुरुआत करनी पड़ी होगी, पहले तो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के लिए खुद का ही एडवर्टाइजमेंट पहले करना पड़ा होगा। एग्जैक्टली, तो बाय द ग्रेस ऑफ से डेस्टिनी हम लोग को काफी लोग जानते थे, सो वी टुक देयर डिसीजंस कि भाई आप लोग हमारे साथ रहेंगे क्या, तो मतलब एक कह रहे थे ना मार्केट सर्वे टाइप का रहता है जी, जी, जी। तो वो किया हमने, तो उसमें हम लोग को पता चला कि हाँ यार हम लोग के साथ लोग आने के लिए इंटरेस्टेड है, तो हिम्मत भी आ गई होगी। हाँ, कहीं हिम्मत आ गई। सबसे पहले देखिए सर कैसा है कि कुछ भी शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक इवैल्यूएशन हो जाए जी, तो वो एक अच्छा अपने को एक फीडबैक टाइप का देता है, फिर वो एक सही डायरेक्शन की तरफ लेके भी exactly, जाता है। exactly. तो हमारा जैसा आपने बोला कि हिम्मत बढ़ती गई जी। फिर हमने 2012 में ही स्टार्ट किए थे मीडिया फोरम नाम से, एट दैट टाइम इट वाज पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो फिर चलता गया सारी चीजें, मतलब हम लोग का डेडिकेशन था, मतलब बाय द ग्रेस ऑफ अगेन डेस्टिनी हम लोग को स्टाफ भी काफी अच्छा मिला, क्लाइंट का सपोर्ट भी काफी अच्छा मिला जी, और फिर मतलब इस टाइप का कारवा चलता गया। तो फिर अभी रिसेंटली हम लोगों ने 2017 में फर्म को प्राइवेट लिमिटेड भी किया, तो मतलब एक फीडर जो है ऐड कर दिया और कंपनी पे एक अलग प्लेटफॉर्म पर आप लेके गए। परितोष जी, आपने एमबीए भी किया है और मास कम्युनिकेशन भी किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके इस एजुकेशन का इस एडवर्टाइजमेंट फील्ड को काफी सपोर्ट भी मिला होगा, कई कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो गए होंगे, तो ये किस तरह से क्लियर हो और किस तरह से आपने अपने इस एजुकेशन को इसमें ऐड कराया? सर बेसिकली ना हमारा एजुकेशन ना थ्योरेटिकल है जी, हमारा जो सिस्टम है वो थ्योरेटिकल है, और हम लोग जो यहाँ पे प्रैक्टिकली अप्लाई किए वो बहुत डिफरेंट है। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में आने के बाद पता चला कि जो पढ़ा था वो
यहाँ पे उसकी वैल्यू, यहाँ पर उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो थ्योरेटिकल पढ़ा उसको प्रैक्टिकल वे में लाने के लिए बहुत सारी कुछ चीजें जो है अलग ही करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हम पढ़े थे वो बहुत शायद वो बहुत पीछे रह गया जी, आज दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। तो हम लोगों ने इसको छोटे छोटे पॉकेट्स में अप्लाई किया जो अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में जी मजबूत करने में हेल्प कर सके। हमने वहां से अप्लाई किया, फिर चीजें धीरे 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 सॉर्ट होते गई और फिर आज हम लोग ने इस बिजनेस का एक्सपीरियंस लेके दूसरे बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया था। यही बिजनेस को जो डाइवर्सिफाई किया, ये एक्सपीरियंसेस जो हमने जो लिए थे इस बिजनेस से वो डाइवर्सिफाई किया। हमने जो हमारा MBA किया है वो उससे हमने थोड़ी चीजें ली ये बिजनेस में डाली। फिर उसके बाद हम लोगों ने होटल्स खोले हमारे जी रेस्टोरेंट्स से। तो ये सब चीजों में हम लोगों ने जो जो सीखा, एक कंसिस्टेंट डेवलपमेंट की हम बात करें तो आपने कंसिस्टेंट डेवलपमेंट की ओर हमेशा, दर्शकों को भी मैं बता दूं कि दोनों जो डायरेक्टर है एकदम यंग और इंथुजियास्टिक और हमेशा नई नई सोच इसमें करते रहते हैं। तो जब हम एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री एक हम अगर पुरानी बात करें तो एक सिस्टमेटिक ढंग से चलती रहती थी। और अगर हम कंपेयर भी करें तो नागपुर की एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री और मेट्रो सिटीज की इंडस्ट्री, इसमें आप लोग क्या फर्क देखते हैं? लोकेश जी। सर इसमें तो काफी मतलब काफी काफी फर्क है। आई मस्ट से दैट जो कल्चर उधर का है और जो हम लोग इधर देखते हैं जी, ये इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। व्हाट दे आर सर्विंग इज टोटली डिफरेंट, व्हाट वी आर सर्विंग इज टोटली डिफरेंट। इफ यू विल सी people over there means agencies, they are supposed to choose the client, and whereas contrary part is that we have to go to the client in our area. So more marketing part is involved in your business. Exactly, as far as the exactly. Nagpur area is concerned. Exactly. So initially we wanted that this advertising sector should be known by some different categorized way. बराबर, एक नया आयाम उसकी जरूरत भी है। Exactly. But means what we learned is totally different. So as you asked, जैसा आपने पूछा है जी, कि क्या डिफरेंस है, तो सर जमीन और आसमान का डिफरेंस हम लोग बोल सकते हैं। और चैलेंजेस भी जमीन और आसमान की तरह हो गए। चैलेंजेस काफी सारे हैं सर। अभी means this won't be a right platform to tell that thing. So we hide. परितोष जी थोड़ा सा बताइए ना कि एडवर्टाइजमेंट का कंसेप्ट आप किस तरह से करते हैं, मतलब किस तरह से आप प्रोडक्ट्स को किस प्लेटफॉर्म पर आप एडवर्टाइजमेंट में सपोर्ट करते हैं क्लाइंटेज को आपके? सर बेसिकली हम लोग न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग के लिए काम करते हैं जी। उसके अलावा हम लोग टीवीसीज में काम करते हैं जी। उसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं। एक जो सोशल मीडिया की हम बात करें तो सोशल मीडिया का कंसेप्ट आजकल काफी, आप देखिए कि आज एक एज में आने के बाद तो एज होने जाने के बाद में भी लोग जो है सोशल मीडिया से काफी जुड़े हुए हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पर भी आप एडवर्टाइजमेंट करते ही होंगे? बिल्कुल सर करते हैं हम लोग। तो वो किस तरह से आप कवर करते हैं? सर सोशल मीडिया के लिए ना एक बेसिक प्लानिंग लगती है जी। जैसे ना हम लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया पे सिर्फ पोस्ट करना और फेसबुक और इंस्टा और यूट्यूब पे डालना, वो नहीं, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। आज ना सोशल मीडिया में वेज बहुत सारे हो गए, इन्वेंट्रीज काफी सारी आ गई है सोशल मीडिया में। सिर्फ पोस्ट करना ही नहीं है, वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के लिए इन्फ्लुएंसर्स लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यूट्यूबर्स आ गए, गूगल एड्स आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, यूट्यूब, सब ईच एंड एवरी थिंग, वहाँ पे कोलेटरल्स काफी ज्यादा है। यानी ऐसा ही है कि सिर्फ वेबसाइट से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं एक चीज को। लोकेश जी जैसे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं या सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, खास करके अगर हम गूगल सर्च आजकल बहुत ज्यादा होता है तो इसमें भी प्रेफरेंस वाइज भी बहुत सारी चीजें होती है, तो शायद आप उसमें भी अपने क्लाइंटेज को कैसे प्रेफरेंस वगैरह देना ये भी सब सिखाते होंगे? वो तो एक सिंपल टर्मिनोलॉजी SEO करके हम लोग कर सकते हैं सारी चीजें, और काफी सारे एडजॉइनिंग चीजें भी है, तो वो कर कर हम लोग आगे जैसे क्लाइंट वगैरह को हम लोग रैंकिंग करा सकते हैं। परितोष जी एक चीज हमने सोशल मीडिया पर हमेशा देखी है कि जब हम वहां पर कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं और वहां पर अपनी कोई बात रखने की कोशिश करते हैं तो उसमें कभी कभी कोई निगेटिविटी भी आती है, कोई निगेटिव कमेंट्स वगैरह भी आते हैं, तो इसकी कोई मतलब जैसे कोई आपके क्लाइंट कहे कि यार ये जो निगेटिविटी आती है या इस तरह से आते तो इसको कैसे काउंटर करें, इस पर कोई उपाय योजना है? ये सवाल मैं पर्सनली आपसे पूछ रहा हूं। सर बिल्कुल, इस पे काउंटर करना ही एक ऑप्शन है। आपने जो बात की है जी, उसने जो बोला है,
आपको वही आंसर देना है, आपने किए तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने, मैंने किया हो ये बात, अगर आपने नहीं किए तो नहीं करना पड़ेगा आपको एक्सेप्ट, और आपको वहां पे आपकी बात पूरे फोकस होके रखनी पड़ेगी वहां पे, जब आपका कमेंट सेक्शन में आते हैं बात और या आपके रिव्यूज आते हैं, रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं सर आज जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप एक छोटी सी अमेजोन से पेंसिल भी खरीद रहे हो तो रिव्यूज देख रहे हो बिल्कुल कि क्या रिव्यू होगा उस पेंसिल का, तो यहाँ पे तुम्हें हर चीज रिव्यू प्लेस होगी, तो ये रिव्यूज बहुत मैटर करने वाला है आपकी लाइफ में, एंड इन फ्यूचर में भी सब कुछ हम लोग ना एक पेंसिल, हम लोग पेंसिल से लेके फ्लैट भी खरीद रहे हैं तो बिल्डर का रिव्यू देखते हैं आजकल, तो मार्केट प्लेसेस पे जाके कि वो बिल्डर का क्या परफॉर्मेंस है, लास्ट टाइम ने उसने क्या क्या परफॉर्म किया है, वो जब परफॉर्म होता है जब ही हम लोग उसके बाद सेटिस्फाई होने के बाद एक चीज लेते हैं, बराबर जब हम ये और एडवर्टाइजमेंट का और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म भी, ये रिव्यूज, ये सब जो है एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के द्वारा ही जो क्लाइंटेज है या जो उसको देख रहे हैं वहां तक जाता है, तो मैं समझता हूँ कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी का आज की डेट में काफी एक महत्व होता है। एक दौर हम अगर देखें कि 5 साल पहले एडवर्टाइजमेंट एजेंसी क्या थी, आज क्या है, और आने वाले 5 सालों के बाद में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप किस नजरिए से देखते हैं? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी और रिलेटेड जो भी फर्म्स है उसका इवोल्यूशन इतना तेजी से हो रहा है कि हम लोग बिलीव नहीं कर सकते। आज से 5 साल, जैसे आपने पूछा कि 5 साल पहले एजेंसी क्या थी, सो दैट टाइम डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल दिस स्टफ वाज नॉट एट इट्स हाइट, इतना नहीं था, तो एक मान के चलिए कि रिवॉल्यूशन सा आ गया है एक लॉकडाउन के बाद, सारे लोग घरों में ही थे, लोगों ने प्लेटफॉर्म फिर उसको यूटिलाइज, तो वो तो सभी के जिंदगी के मायने उस वक्त बदल गए थे, कहीं रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थे। तो अभी मैं जैसा बताना चाहूंगा कि जैसे अपने काफी बड़े बड़े मान्यवर लोग है, जैसे मार्क जुकरबर्ग है और भी सारी फ्रेटर्निटी है जी, तो ये लोग इतना इवोल्यूशन ला रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते कि 5 साल बाद क्या होने वाला है। शायद आप, हम लोग जो आज बैठे हैं तो ये सारी चीजें एआई के माध्यम से होगी, होलोग्राफिक इमेजेस की तरह से चलेगी, होलोग्राफिक तो शायद आपको पता ही होगा, yes, हम लोग yes. नहीं बैठे हैं लेकिन फिर भी हम लोग दिख रहे हैं एग्जिस्टेंस, तो ये सारी चीजें होने वाली है, और सबसे आने वाले समय में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो डेटा प्ले करेगा, जिसके पास डेटा है वो किंग रहेगा। तो इसीलिए आज आप देखिए ना, मतलब अगेन ये प्लेटफॉर्म में नहीं बोलना चाहिए, आज जो आपका डेटा लेने के लिए इतना आतुर रहते हैं वो किस लिए है, उसमें क्या है उसको? नहीं, मैं दर्शकों को बता, आपने बात बहुत बिल्कुल सही कही है, आपने ये भी कहा कि ये शायद सही प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन जनता भी जागरूक है और आजकल हमारा डाटा, क्योंकि आम दर्शकों को भी ये पता होगा कि हमें घर बैठे बैठे कितने सारे मैसेजेस आते हैं, तो वो डाटा कहीं ना कहीं से उनके पास में गया हुआ है, इसलिए वो डाटा आता है, और ये डाटा की भी अपनी अहम होती है और शायद इसका बिजनेस भी होता है, हम उस बारे में इस फोरम पे बात नहीं करेंगे। हाँ, तो लेकिन हम बात करेंगे कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसी और प्रोडक्ट को प्रमोट करने का आगे का फ्यूचर क्या है अपने भारत में, या हम नागपुर की बात करें तो यहाँ पर क्या फ्यूचर है? नागपुर और भारत का हम लोग ऐसा कुछ कैटेगराइज नहीं कर सकते सर, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी उधर आएगी वो सेम अपने को, कहीं ना कहीं हम लोग भी उस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके उसके सहारे चलते चलते हम आपको डेवलप करेंगे। अनलेस एंड अंटिल आप लोगों टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आई गेस कि यू विल बी वे पीछे रह जाएंगे। यस, और मैंने ये इसीलिए शुरुआत ही कही क्योंकि जब आपसे मैं बात कर रहा था तब मुझे वही दिखा कि रिनोवेशन इनोवेशन आप लोगों में है, तो कहीं ना कहीं ये बदलाव के साथ में चलते चलते जो पीएल मीडिया फोरम प्राइवेट लिमिटेड आगे के मुकाम पर जरूर जाने वाला है। परितोष जी, हम जो एक मैं बात आपसे करना चाहता था वो इस तरह से है कि आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, तो ये कॉम्बिनेशन में आपने कुछ अपना KRA डिसाइड किया हुआ है कि मतलब की रिस्पॉन्सिबल एरिया कि भैया ये कंसेप्ट है ऐसा कुछ, या दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिल्कुल इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। सर यानी सर का पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, yes. सर बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट पे और अपने चीजों पे कि यानी सर के एक एटिकेट्स है, मैनर्स है और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है हर चीज के लिए हमारे ऑफिस में बनी हुई है, और वो एकदम सिस्टमेटिक होके सब बिजनेस को डिसिप्लिन वे में रन कर रहे हैं बिजनेस को, तो ये हम लोगों की बिल्कुल म्यूचुअली डिसाइड कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक हम लोग ने एक दूसरे को वो सिंक्रोनाइजेशन इतना बेहतर कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती, हमको बताना नहीं पड़ता एक दूसरे को कि क्या करना है क्या करना है। आपने इस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के साथ में कुछ जो है फीदर्स और बिजनेस में ऐड किए हैं, वो क्या है और उसका हमारे दर्शकों को क्या फायदा मिल सकता है? हमारे सर ब्राउन्स हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड करके होटल है, मनीष नगर में एक है जी, ब्राउन्स मनीष नगर करके,
और एक है ब्राउन्स एयरपोर्ट करके, एयरपोर्ट रोड पे है जी। तो ये ऐसे दो होटल्स है सर हमारे, तो उस पे हम लोग वहाँ पे हम लोग गेस्ट को एंटरटेन करते हैं। एक 15 रूम की प्रॉपर्टी है सर और एक 12 रूम की प्रॉपर्टी है। तो वहां पर मतलब जो भी हमारे दर्शकों को अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं तो जरूर ले सकते हैं। आप दोनों सर यंग है, एंथुजियास्टिक, मैंने पहले ही कहा। और शुरुआत में बात करते हुए लोकेश जी आपने कहा कि आप में एक डायलेमा था जब शुरुआत करना, जॉब करना, नौकरी करना या बिजनेस करना। काफी यंग दर्शक भी यहाँ पर मौजूद हैं जो आपको देख रहे हैं, आप चलते चलते उनको क्या सलाह देंगे कि बिजनेस, जॉब या दोनों में से चूज करने के लिए क्या सिचुएशन होनी चाहिए और सिचुएशन को अनुसार उन्होंने क्या डिसीजन लेना चाहिए? सर मेरा मानना यही है कि देखिए, हर कोई बिजनेस के लिए नहीं बना होता है, हर कोई जॉब के लिए नहीं बना होता है। तो बेटर गेटिंग इनटू दैट फर्स्ट कि आप लोग डिसाइड कर लीजिए आप खुद को क्या महसूस करते हैं। आपको लगता है कि एक ऐसा है, होता है ना कि सेल्फ स्ट्रेंथ जो है अपने को खुद एनालिसिस करनी पड़ेगी। मराठी में मुलाचे पाय दिसतात, एक थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस कर लेना चाहिए। इफ यू आर ओके विद बिजनेस देन गो इनटू द बिजनेस इंडस्ट्री, इफ यू आर नॉट जस्ट गेटिंग टू द दिस जॉब वर्ल्ड। तो मेरे ख्याल से वो चीज करनी चाहिए। और जाते थे और एक सलाह देना चाहूंगा कि आजकल का जो यूथ है, हम लोग देख रहे हैं, आई मे बी रॉन्ग, तो वो एक देख 100 अगर 100 टक्का है तो उसमें से 60-70 टक्का तो पता नहीं वो एक अलग ही दुनिया में है। जो बचा हुआ 30-40 टक्का है वही प्रॉपर इस पे है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा और पड़ता ही है, तो आप प्रॉपरली उस चीज पर फोकस करिए। अगर नहीं कर रहे तो आपका अपॉर्चुनिटी लेने के लिए दूसरा तीसरा आपके पीछे बिल्कुल खड़ा है, ये मैं कहना चाहूंगा। परितोष जी, आप हमारे दर्शकों को चलते चलते क्या बताना चाहेंगे? सर फोकस रहना चाहिए, सर फोकस रहिए अपने अपने गोल को लेके, अपना गोल सेट करिए, फोकस रहिए, डिसिप्लिन रहिए और कंटिन्यू इनोवेशन करिए, रुकिए मत। यानी आप एक चीज में फेल हो तो जरूरी नहीं कि वो चीज हो नहीं सकती, आपके पीछे से कोई और आके वो चीज करेगा। फर्स्ट मूवर से ज्यादा फास्ट मूवर बनना जरूरी है हमारे लिए। बिल्कुल सही बात कही आप दोनों से बात करते करते मुझे खुद ऐसा लगा कि मेरी जो उम्र है काफी आधी तक हो चुकी है। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि जैसे परितोष जी ने कहा, लोकेश जी ने कहा और मराठी में कहावत और है, अपयश ही यशाची पायरी असते। तो कभी भी हम लोगों के जो फेलियर होता है उसे घबराना नहीं चाहिए, कोशिशें लगातार करती रहनी चाहिए और एक दिन सक्सेस जरूर आपके कदम चुनेगी। मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। ऐसी और मुलाकात के साथ में बीसीएन के समक्ष फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।